केंद्रीय मंत्री ने आज बयान आया है तो उनका है कि मानहानि का दावा पेश कर रहे हैं आपके खिलाफ मानहानि का दावा पेश करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली कोर्ट में आज पेश कर रहे हैं मानहानि का दावा। करने जा रहे हैं या करा दिया है सर? 2 बजे की बात की, 2 बजे कराने जा रहे हैं सर। तो हम तो स्वागत करेंगे क्योंकि इसी बहाने कम से कम केस आगे बढ़ेगा, भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं उनका पैसा डूब गया है। किसी का 1 करोड़ के 50 लाख 25 लाख डूब गया है, वो पैसा कहाँ गया है? इथियोपिया में गया है, यहाँ पे गबन हुआ है, कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं, वो खुद मुलजिम हैं, उनकी पत्नी, उनकी साला, उनके पिताजी का नाम है और उनकी माताजी का देहांत हो गया। हम उनको भगवान ने प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परंतु वो तो हकीकत है। ये आज तक जवान नहीं खोली इन्होंने, आज ये केंद्रीय मंत्री बने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं मंत्री बनने के बाद में मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती है तो मैं आगे बढ़ करके सबको बुलाऊं, बातचीत करूं, मजबूरी बताऊं खुद की अगर कोई है तो, या संजीवनी के जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके लिए सहयोग करते। ईडी ही सिर्फ जब्त कर सकती प्रॉपर्टी को, एसओजी नहीं कर सकती है। मैडम अभी तक जब्त कर लेते प्रॉपर्टियों को, बेच करके कुछ पैसा चुका दे, पूरा पैसा नहीं मिलता। वो कहते थे आप तो हमें आंखों आंसू आ गए हम सबके, जब वो आए जोधपुर में और जिस प्रकार जयपुर में आए थे बूढ़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग महिलाएं, कोई सोच नहीं सकता उनकी सारी कमाई इकट्ठी की हुई, बेटियों की शादी करनी, ये लोग क्या क्या किसे बताए, वो सब लोग बेचारे रो रहे थे। इनको उनमें उनके आंसुओं पे भी शर्म नहीं आती, इनको दया भी नहीं आती। इनको चाहिए वो तो करे मानहानि का केस, अच्छा लगेगा, इसी बहाने केस आगे बढ़ेगा तो गरीबों का इश्यू नेशनल लेवल बनेगा। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी तक बात जाए, अमित शाह जी तक बात जाए। अमित शाह जी खुद कॉर्पोरेट मिनिस्टर है, उनके अंडर में आती है सोसाइटी है, ये मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी है, ये जो ये गबले किए इन्होंने स्टेट की होती है हम उस ढंग से निपटते इनसे। ये निपटने का काम केंद्र सरकार का है। 5 बार हम लिख चुके हैं ईडी वालों को, भाई आप कम से कम हमें सब इन्फॉर्मेशन दो, इस केस को ले, लेकिन रहे बोलो छापे डाले हिंदुस्तान भर में ईडी वाले, ये छापे का केस तो परफेक्ट है। आप केंद्रीय मंत्री ये कैसे रह सकता है? मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री नॉलेज में नहीं आया क्या ये इतना बड़ा घपला? ऐसे घपले बाज को आप कैसे रखते हो आप अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में? ये सवाल है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये तो हकीकत है, कागजों में है, पेपरों में है, कोर्ट के अंदर है, हाईकोर्ट के अंदर है, लिक्विडेटर बैठा हुआ है, केंद्र सरकार ने लिक्विडेटर बैठाया हुआ है, ये तो पूरा केस बना हुआ है ना। अब आप बताइए उसमें इस आदमी को शर्म ही नहीं आ रही है कि मैं कैसे सबको बुला के बात करूं? हमारा सहयोग चाहिए, हम सहयोग देंगे इनको, बहुत आगे नहीं आ रहे हैं। अगर वो चाहें तो हमारी सरकार उनको सहयोग कर सकती है, अगर वो चाहते हैं कुछ किस प्रकार से हम सब मिलके उनका चुकारा करें, मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हकीकत तो बताना पड़ेगा, हमारा फर्ज है। वो हमसे पूछते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा बताना हमारा फर्ज बनता है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा आप फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को सहयोग चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट आपको पूरा सहयोग देगी, आप पैसा दिलवाई गरीबों को। वो कहते हमारा बिहार गया भाड़ के अंदर, आप तो हमारा मूल पैसा दिलवा दीजिए, कम से कम अपनी बेटियों की शादी कर लें। एक आदमी बूढ़े आदमी है, 5 उसे स्टंट लगने हैं, उसे जिद पकड़ रखी है बेटे के साथ, बेटा क्या मैं करवा दूंगा आपका स्टंट लगवा दूंगा? वो क्या नहीं नहीं मुझे वो पैसा वापस मिलेगा, उसी पैसे से मैं स्टंट लगाऊंगा, ऐसे ऐसी किस्से कहानी है। तो अच्छा है, मैं तो स्वागत करूंगा अगर वो मेरे खिलाफ केस करते हैं, इसी बहाने उन गरीबों का भला होता हो तो मुझे अच्छा लगेगा। सर, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है अभी रिसेंटली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फ्रॉड होता है उसके मामले सभी अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उन कोर्ट्स में जाएंगे ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके, कोर्ट्स के जरिए न्याय मिल सके। फर्स्ट टाइम ये प्रोविजन राज्य सरकार के द्वारा सहकारिता विभाग ने रिसेंटली दिखवा देंगे, उनको भी दिखवा देंगे, जो भी हो सकता होगा, खाली संजीवनी की बात नहीं है, आदर्श घोटाला है।